हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसएससी कॉम्प्रेट चैनल। तो आज आ चुका है एमटीएस का आंसर की, ये देखिए। तो एमटीएस ने जो है एमटीएस का जो है आंसर की आ चुका है। तो आप लोग भी सभी लोग अपने अपने आंसर की को चेक कर लीजिए और मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितना मार्क्स गेन किया अकॉर्डिंग टू आंसर की। मुझे तो एक क्वेश्चन में डाउट भी है, अगर आप लोगों को भी हुआ तो आप लोग भी अपने अपने शेयर कीजिएगा। चलते हैं फिर देखते हैं कि मेरे क्या है मार्क्स। तो ये हो गया ओपन और अब हम लोग चेक करते हैं कि कितने मार्क्स मैंने गेन किए और कौन कौन सा सेक्शन कितना रॉन्ग हुआ। वैसे मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, मेरा जीके सेक्शन बहुत ही वीक है और काम करना है मुझे, कर भी रही हूँ, बट आई डोंट नो ये कब तक सही होगा, देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मेरा। तो मेरा जो है 11 जुलाई को था पेपर, सुबह वाले शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट ही था। तो ये जो है इंग्लिश का पेपर, और इंग्लिश का पेपर मैंने मैच किया, उसमें जो है मेरे ओवरऑल जो है हुए हैं, ओवरऑल 22 मैंने सही किया है और मैंने जो है 2 रॉन्ग हुए हैं, नहीं 2 नहीं 3 रॉन्ग हुए हैं। और आप समझ सकते हैं 3 के लिए तो माइनस मार्किंग जाएगी ही। और देखते हैं कि रीजनिंग में कितना सही किया मैंने, तो रीजनिंग में भी मैच किया मैं। तो रीजनिंग में मेरे हुए हैं पूरे कितने हुए सही, तो रीजनिंग में मैंने पूरे अटेम्प्ट किए थे 25 और 25 में से 25 सही है, और यानी कि मैं इसमें पाई हूँ 25 मार्क्स। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ, और मुझे तो मैथ्स में डाउट है एक क्वेश्चन में, तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या होगा इसका। तो मैथ्स में तो अभी तक ठीक है, और मुझे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं क्या था, एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, मैं जूम कर देती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग बताना कि कितना इसका आंसर होगा। मेरा तो रॉन्ग हो गया, ये देखिए मैंने रॉन्ग कर दिया, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मुझे मैथ्स में यहाँ पे डाउट था, और पॉसिबल हो तो इसका भी आंसर दीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 kg है। यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत 20 kg और महिलाओं के मामले में 6 kg हो, तो परिवार में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। वैसे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पता नहीं मैं कहाँ फंस रही थी, और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो एक ये छूट गया मेरा। देन आगे चलते हैं, जो कि मेरा सबसे पुअर सेक्शन है, और इसमें तो मैंने बताया, मैं बताई ही नहीं, इसमें जो है मेरा एक गलत हुआ है और एक दो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ओवरऑल 22 ही सही हुए हैं मेरे। इसमें भी हुए हैं मेरे 22 क्वेश्चंस राइट। और अब चलते हैं आगे जीके की तरफ, और जीके में क्या ही बताऊँ, बहुत ही तो ये रहा मेरा जीके, फाइनली जीके रहा, और जीके में मैंने अटेम्प्ट किया है, ओवरऑल की तो हूँ 14 अटेम्प्ट, बट उसमें से 7 रॉन्ग हो गए हैं और 7 राइट हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि मेरा कितना बुरा होगा जीके, ओनली एंड ओनली 7 मार्क्स।
मैं थोड़ी सी सैड हूँ जीके से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और आप लोग भी अपने अपने एम टी एस के आंसर की से रिलेटेड जो भी मार्क्स आएँ वो शेयर कीजिएगा। मैं जो भी क्या कहूँ, जो भी ऐड की हूँ उसके अकॉर्डिंग तो मेरे ओवरऑल जो है 76 क्वेश्चन जो हैं सही हो रहे हैं, 11 क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। सबसे ज़्यादा जीके में 7 क्वेश्चन एंड इंग्लिश में 3 और मैथ्स में 1, और ये गलतियाँ हैं मेरी, और देखते हैं क्या होता है, होता है या नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।